रामायण महाभारत के समय से युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं। और हो क्यों रहे हैं? रामायण, राम जी ने सीता माता को रावण से बचाने के लिए युद्ध किया, मतलब एक लेडीज के लिए युद्ध हुआ। महाभारत में जमीन, जायदाद, राज्य, प्रॉपर्टी के लिए युद्ध हुआ। आज भी होता है, ज्यादातर झगड़े खाना, प्रॉपर्टी, लैंड, लेडीज, विमेन, या बिकॉज कोई हमसे वीकर है हम उनको दबाते हैं, झगड़ा हो सकता है। ये सब चीजों के लिए झगड़ा होता है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिश क्यों झगड़ते हैं, मतलब व्हाई डू फिश फाइट। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे को कि मेरे फिश फाइट कर रहे हैं, क्या करो? मैंने 2 ऑस्कर लाए, फाइट कर रहे हैं, क्या करो? एक बड़ा एंजल था पहले, मैं 2 छोटे एंजल लेके आया, बड़ा एंजल छोटे को मार रहा है, क्या करो? मेरे पास गोल्ड फिश था, एक और गोल्ड फिश लाया, वो दोनों फाइट कर रहे हैं, क्या करो? ये सब का रीजंस सिंपल है। कुदरत में कोई भी जीव, कोई भी जानवर, कोई भी हो, झगड़ते सिर्फ औरत, जमीन जायदाद, टेरिटरी, खाना, कंपैटिबिलिटी या एडजस्ट ना होना किसी के साथ, एंड यू नो कोई एक थोड़ा वीक है और उसको हम दबाएंगे बिकॉज हम थोड़ा बड़े हैं या स्ट्रांग है। यही 5 रीजन होता है झगड़ा शुरू होने के लिए, एंड यही 5 रीजन है झगड़ा होने के लिए। हां, झगड़ा होने के लिए सिर्फ यही 5। तो आपके टैंक में भी यही 5 रीजन है। बहुत सिंपल है, अगर आप ठीक से समझो तो इन्हीं 5 रीजन के वजह से फिश झगड़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक फिश बड़ा है और 3-4 फिश छोटे हैं, तो बड़ा फिश स्ट्रॉन्गर हुआ और छोटे फिश वीकर हुए, एंड बड़ा फिश छोटे फिश को धमकाएगा, डराएगा, बुली करेगा, फिन निप करेगा, ये सब हो सकता है। हाँ, अगर जैसे एंजल फिश है और आपके पास 4-5 टाइगर बाब है, तो ये 4-5 झुंड बन के, पूरा एक ग्रुप बना के, ये एक को मारेंगे बिकॉज अभी वो स्ट्रॉन्गर हो गए और ये अकेला वीकर हो गया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को मारेगा। तो आप नजर घुमाओ टैंक पे, देखो जब झगड़ा हो रहा है तो ये इशू है क्या, एक फिश बड़ा है या पुराना है, बहुत सालों से आपके टैंक में है या बहुत महीनों से टैंक में है। आप एक नया फिश लेके आते हो अच्छे मन से कि यार उसके एक कंपेनियन मिले, कंपनी मिले, अकेले बोर ना हो, वगैरह वगैरह, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो झगड़ने लगते हैं। नाउ अगला पॉइंट है कंपैटिबिलिटी, एडजस्ट ना होना। कंपैटिबिलिटी के वीडियो में मैंने कंपैटिबिलिटी के बारे में समझाया, कंपैटिबिलिटी चार्ट सब कुछ। अभी यहां पे ये कम्युनिटी टैंक है और कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है। समझो आपके टैंक में ये बड़े बड़े एंजल है और कुछ छोटे फिश, छोटे फिश को खाना मिलेगा ही नहीं, तो खाने के लिए झगड़ा होगा, या 2 बड़े फिश वही खाने के लिए झगड़ा करें, खाने के लिए झगड़ा। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, इंसानों में है, कुत्तों में है, सब चीजों में है, खाने के लिए हमेशा झगड़ा होता ही है। आपके टैंक में भी वही हो रहा है। तो जो स्ट्रॉन्गर फिश है या स्ट्रॉन्गर ग्रुप है वो खाना ज्यादा खाएगा, एंड वीकर वाले को खाना कम मिलेगा, ये ऑलवेज। अभी ये एंजल्स जो है इनमें भी कोई एक ऐसा फिश होता ही है जो थोड़ा इनमें से वीकर है, वो पीछे रहेगा, हटके रहेगा, और कॉमन है। और हमें एज टैंक ओनर्स हमें देखना है कि वो कौन सा फिश है और उसको अलग से थोड़ा खिलाना पड़ेगा, दूसरे सेक्शन में खिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा सबको हेल्थी रखने के लिए। और अगर ये नजरअंदाज कर दें तो वो वीकर वाला वीकर होते जाएगा और बड़े वाले उसको मारेंगे। फिर से फर्स्ट पॉइंट ना, स्ट्रॉन्गर विल बीट द वीकर।
एंड वो वीकर वाला मर जाएगा या तकलीफ में आए। ओके, तो दूसरा था खाने के लिए झगड़ा। तो आप खाना लेके आओ, स्ट्रॉन्गर वाले पहले आएंगे। तो आपको केयरफुल रहना है कि कैसे खाना खिलाए, कैसे डिवाइड करे, कैसे प्रोपोर्शनेट करे, या कौन सा टाइप का खाना खिलाए। मतलब बड़ों को थोड़ा अलग टाइप खिला के छोटों को अलग टाइप खिला दो तो वो अलग खा लेंगे, सबको खाना मिलेगा। एंड जब दो बड़े फिश खाने के लिए झगड़ रहे तो बेस्ट है अलग अलग सेक्शन में खाना डालो तो दोनों को मिल जाए। मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था हमने, उसमें साउथ अमेरिकन फिश डालने का प्लान था। कुछ 20-22 फुट चौड़ा था टैंक, 8-10 फुट लंबा ग्लास, अंदर 10 फुट डीप। उसमें अरापाइमा था, अरवाना था, रेड टेल कैटफिश था, पाकू जो पिराना का स्पीशीज है वो पाकू था, ये सब फिश थे। एंड जो फीडिंग करते हैं उन्होंने एक छोटी सी गलती की। वहां पे अरापाइमा सबसे बड़ा फिश है, अरापाइमा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर फिश है, ऑलमोस्ट 6 फुट लंबा हो सकता है। एंड अमेजॉन रिवर एरिया में बोलते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे रिवर के बाजू में हैं तो बच्चे उठा लेते हैं, कहानी होगा, बट उतना कैपेसिटी है, बड़ा फिश है, प्री हिस्टोरिक है, बहुत सालों से मतलब है। एंड मुंह बड़ा होता है, बड़ा खुलता भी है मुंह। तो वो टैंक में क्या हुआ, पहले अरवाना को खाना दिया, अरापाइमा साइड से आया, अरापाइमा को खाना था, स्ट्रॉन्गर फिश, तो अरापाइमा साइड से आया और खाना छीनने के चक्कर में अरवाना का सर उड़ा दिया। ठीक है, ये मैंने अपने आंखों से देखा, अगर वीडियो होता तो ले लेता बट नहीं था। सो ये प्रॉब्लम्स होता है, स्पेशली ये इश्यूज जब बड़े फिश, मॉन्स्टर फिश रखने वाले, इन सब में होता है। छोटे फिश में दिखता नहीं है खाने के लिए झगड़ा, बड़े फिश में ज्यादा दिखते हैं। एंड जो लोग सिकलेट वगैरह टैंक्स रखते हैं तो उनको नजर आता है। ठीक है, अगर 3 से 4 अरवाना भी रखते हो तो केयरफुल होना चाहिए, हर किसी को मिलने जैसा खाना डालना चाहिए। एंड ये हमारे ऊपर है कि हम थोड़ा केयरफुल रहे, झगड़ा क्रिएट ना करें। एक ही साइड में खाना डालेंगे तो सब वही साइड में घुसेंगे, झगड़ा करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है, एक दूसरे को मार सकता है। नाउ ऑलवेज जनरल कंपैटिबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्डफिश के साथ कार्प रखते हो तो कार्प थोड़ा बड़ा है तो वो खाना ज्यादा खाएगा, शार्क भी थोड़ा बड़ा है वो खाना ज्यादा खाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन कभी मैच नहीं होते। एंजल और गोल्डफिश रखोगे तो गोल्डफिश थोड़ा स्लो है, एंजल थोड़ा फास्ट है, अग्रेसिव है, सिकलिड है, तो वो खाना ज्यादा खाएगा एंड वो गोल्डफिश को तकलीफ भी देगा। सिमिलरली स्मॉलर फिश में, झुंड में जाने वाले फिश, स्पेशली बार्ब्स, सिर्फ बार्ब्स रखो, रेनबोज सिर्फ रेनबोज रखो। अगर आप समझ नहीं पाते हो तो ये ट्राई मत करो, यू नो, डिफिकल्ट फिश के साथ, बिकॉज अगर फिश कंपैटिबल नहीं है तो झगड़ा होने का चांस 99%। कंपैटिबिलिटी वीडियो में मैंने बोला था वो 1% है जहां पे बहुत सब फिश हंसी खुशी हंसी राजी रह लेते हैं, वो रोज नहीं होता है। तो कंपैटिबल फिश रखो, साइज सिमिलर रखो, कंपैटिबिलिटी के साथ साइज इंपॉर्टेंट है। एक ही साइज के फिश कम झगड़ते हैं, छोटा बड़ा प्रॉब्लम होगा। एंड कुछ कुछ ऐसे फिश है जो कोई भी दूसरा फिश है मार देंगे, फ्लारन अगर सिंगल रखा हुआ है और आप उसके साथ कोई फिश डालने की कोशिश करते हो सकता है कि वो दूसरे फिश को मार दे। पैरेट्स का झुंड है, आपने नया एक दो पैरेट लाया तो नए मर जाएंगे, ओके, बिकॉज ये झुंड ग्रुप हो गया है, वो अटैक करेंगे, हमारा उनका जगह है कि नहीं। तो ये आता है अगला पॉइंट, टेरिटरी, राज्य, मेरा जगह। फिश में भी वो है, वो अपना एक जगह चूज करते हैं और उसको अपने जान से उसका सुरक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे राजा महाराजा करते थे, हम लोग जयपुर वगैरह जाओ तो बहुत बड़े बड़े फोर्ट है, ठीक है, वो सब इसलिए तो करते थे एंड युद्ध करते थे। तो ये छोटे स्केल में युद्ध होता है, फाइट होता है टेरिटरी के लिए, ये मेरा जगह है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वो जगह में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, उस जगह में शेड होगा, हाइडिंग स्पेस होगा, कुछ भी, वहां पे खाना ज्यादा मिल सकता है, वो उसका जगह है
और वो उसके वो जगह के लिए फाइट करेंगे जरूर। स्पेशली आप ये देखोगे सिक्लिड्स में, सिक्लिड्स बहुत टेरिटोरियल है, एंजल भी सिक्लिड फिश है बाय द वे। ये भी बहुत जरूरी है कि फिश के हिसाब से या फिश स्पीशीज के हिसाब से टैंक का साइज उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी सिक्लिड्स के लिए तो बड़ा टैंक जरूरी है, एंजल्स के लिए भी बड़ा टैंक चाहिए। छोटे टैंक्स रखने से या यू नो छोटे टैंक में बड़ा फिश या बड़ा फिश छोटे टैंक में रखने से बहुत ही ये सब फाइटिंग चालू हो जाता है, इश्यूज हो जाता है, टेरिटरी फाइट्स होता है एंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी जरूरी है कि टैंक में हाइडिंग स्पेसेस बहुत हो, सब फिश के लिए थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पेस चाहिए होता है, वो अपना टेरिटरी बनाएंगे, उसको सेफगार्ड करेंगे और बड़ा टैंक में फाइटिंग कम होता है। सो नाउ अभी हमारा ही ले लो, अपने घर में कोई दूसरा आएगा, घुसपैठी आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे क्या? मार मार के नहीं भगाएंगे? क्यों? अपना घर है, हमारा है, वो क्यों आया बाहर से? तो वो एक अपने जगह में फिश को भी सेफ्टी मिलता है, उसको सेफ्टी फील होता है, तो वो दूसरे फिश को एंटरटेन नहीं करता। एंड फाइनली टेरिटरी हो गया, जगह सेट हो गया, तो अभी मेट, मतलब मेरे टेरिटरी में मेरे को एक फीमेल चाहिए, मेरा फैमिली। मैं ये कहना गलत होगा बट बहुत सारे झगड़े लेडीज के चक्कर में हो जाता है, हम लोगों का भी कॉलेज में हुआ ही है। बहुत सुंदर लड़की, मेरे को भी देखा, दोस्त को भी देखा, हम लोगों का झगड़ा हो गया, होता है, कॉमन है। फिश में भी वैसा ही है, टेरिटरी सेट करते हैं फीमेल को इंप्रेस करने के लिए कि ये मेरा टेरिटरी है, ये देखो मेरा कलर, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मेरा टेरिटरी भी है तो तुम मेरे साथ मेट कर सकते हो, वो फीमेल को बोल रहा है। एंड कोई दूसरा फिश आया तो उसको भगा दे। एंड फाइनली जब मेट करेंगे, कुछ कुछ फिश जो है साथ में ही रहते, डिस्कस एंजल साथ में रहते, मेल और फीमेल, ठीक है। एंड वो दोनों मिलके वो एरिया टेरिटरी को सेफ करेंगे, बिकॉज उसमें अंडा डालेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका फैमिली स्टार्ट होता है, तो उनका स्पेस वो सेफ करना ही है, तो झगड़ेंगे। फाइटर फिश हमेशा अकेला है, कुछ भी डालो फाइट करेगा। एंड फाइटर फिश के साथ फीमेल भी तब भी डाल सकते हो जब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है, नहीं तो फाइटिंग चालू। बेटा फिश जब ऐसा बबल नेस्ट बनाता है, मतलब ये ब्रीडिंग के लिए रेडी है, और यही टाइम पे फीमेल डालना चाहिए। अगर इससे पहले डाला तो चांस है कि फाइटिंग चालू। गोल्डफिश ज्यादातर फाइट नहीं करते, बट अगर आप कॉमन गोल्डफिश जैसे कॉमेट या कॉमन गोल्डफिश डालोगे और एक फैंसी गोल्डफिश डालोगे तो फैंसी गोल्डफिश मार खाएगा, बिकॉज वो वीकर है। बहुत सारे आपके फिश को सडनली आंख में मार लगता है, स्पेशली ब्लैक मोर, जो गोल्डफिश जो ब्लैक कलर का है, गोल्डफिश स्पीशीज में आता है ब्लैक मोर, उसका आंख ही निकाल देते हैं फाइट करने में, बिकॉज ब्लैक मोर वीक है और कॉमेट या कोई दूसरा फिश थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं एंड बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको एज एन एक्वेरियम कीपर या हॉबीस्ट, आपको ये सब जानकारी होना जरूरी है। आप ये समझो बात, अंडरस्टैंड करो क्यों ऐसा फाइट करते हैं, क्या रीजन हो सकता है। अगर आप रीजन समझो तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। दो तीन बेसिक सोल्यूशंस देता हूं। अगर आपके पास सिंगल टैंक है तो बीच में एक नेट या मेश का कुछ डाल सकते हो ताकि फिश सेपरेट हो, या अलग टैंक में सेपरेट कर सकते हो अगर वो फाइट कर रहे हैं। सिक्लिड्स में अगर फाइटिंग बहुत ज्यादा है तो अंदर का डिजाइन या डेकोरेशन चेंज कर दो, कुछ दिन फाइटिंग कम हो जाएगा, बिकॉज नया टेरिटरी बनाएंगे, ठीक है। ये कॉमन एक सिंपल आइडिया है। और अगर कोई फिश मार खाता है तो मैंने वो वीडियो बनाया है जीरो कॉस्ट मेडिसिन वाला, दूसरा निका मेडिसिन वाला बनाया है, वो आप देखो और फिश को ट्रीट करो, डिस्ट्रेस करो, ठीक है। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड मैं आशा करता हूं कि ये जो 5 पॉइंट मैंने बोला आपने समझा और आपने उसमें से कुछ सीखा, एंड ऑफ कोर्स वीडियो को एंजॉय किया। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग छोटे मोटे वीडियोस के साथ, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ, स्केपिंग या फिश के बारे में बहुत कुछ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।